सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 13 से इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन बैंक 1, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और मेरे पिछले वीडियो में आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका आंसर भी आपके सामने एक ही आएगा। इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ। तो देखो, हम इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसको लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखना। देखो, ये पावर है और इसकी होल पावर दे रखी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जगह x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब देखें आप, ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है, तो तीनों में बेस सेम है, तो इनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और बेस एक ही जगह लिखा जाएगा। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, b माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। इस तरह से देखो, b माइनस सी में b माइनस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, c माइनस ए में c माइनस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बेस क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। इसके जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इस तरह से मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ये x की पावर के रूप में आ जाएगी, ये पूरा का पूरा x की पावर है। ओके, अब देखो, a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी, यहाँ पर a माइनस सी की जगह c माइनस ए है, इसलिए माइनस आ जाएगा। बचा कितना, b माइनस सी, तो फर्स्ट में आ जाएगा माइनस बी माइनस सी। एक बार आप दोबारा देखिए, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी से c माइनस ए, माइनस बार कैंसिल होगा तो माइनस आ जाएगा, और b माइनस सी एज इट इज आ जाएगा। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का b माइनस सी बचेगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो b माइनस सी और a माइनस बी, a माइनस बी, इधर b माइनस है तो इधर भी कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इधर माइनस, बचा कितना c माइनस ए। b माइनस सी, a माइनस बी तो कैंसिल हो ही जाएगा, फिर इधर भी माइनस सी बचेगा, c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी, और इधर भी माइनस सी, तो इधर भी क्या बचेगा, माइनस बचेगा, लेकिन a माइनस बी से में नहीं है तो a माइनस बी इधर आ जाएगा। इस वैल्यू से मैंने इसमें डिवाइड किया, इस वैल्यू से इसमें डिवाइड किया, इस वैल्यू से इसमें डिवाइड किया, इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो माइनस का बी माइनस सी आ जाएगा, इस वैल्यू से इसमें डिवाइड करूंगा तो माइनस का सी माइनस ए आ जाएगा, और इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो माइनस का ए माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए माइनस बी नहीं था। तो ये जो वैल्यू हमारी आई, एक्स की वैल्यू है माइनस बी प्लस सी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए और माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की पावर जीरो, और एक्स की पावर जीरो का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास वन हो जाएगा, वन, और इस क्वेश्चन का आंसर वन होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हम देखते हैं, तो ऑप्शन बी जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 आप इजीली सीख सकते हो, समझ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर कितना आ जाएगा, वन आएगा, इसका आंसर वन, ठीक है। और इसको मैं आपको इजीली सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर x की पावर b है, x की पावर c है, तो ये x की पावर b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी, और इधर दे रखा आपको b प्लस सी माइनस ए, ठीक है। इधर वैल्यू आ जाएगी आपके पास c माइनस ए, x की वैल्यू c माइनस ए, c प्लस ए माइनस बी, और इधर आ जाएगा आपके पास x की पावर a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी। बेस से मैं तो एक तरह से क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। अब देखो, b का सबसे मल्टीप्लाई करूं तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। बी का तीनों में मल्टीप्लाई करते, बी का बी में मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, फिर इस सी को ले लेते हैं, माइनस का सी बी, माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी बी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी। ये तो एक वैल्यू आई, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड वैल्यू को भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए, यह आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी या सी ए और माइनस का बी सी माइनस का ए सी माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब सेकंड ब्रैकेट को हमने इजीली सोल्व कर लिया है। अब इस ब्रैकेट को देखो, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी
और माइनस का ए सी, माइनस का ए बी, माइनस का बी स्क्वायर, प्लस का बी सी। हमने कंप्लीट ब्रैकेट को सोल्व कर लिया है, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। देखो आप, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बी सी से सी बी कैंसिल, ए बी से ए बी से ए बी कैंसिल, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए सी से माइनस का ए सी, प्लस का ए सी से अगेन माइनस का ए सी, माइनस का बी सी से प्लस का बी सी, और ए बी से माइनस का ए बी, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये माइनस का प्लस का सभी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो हमारे पास रिजल्ट में एक्स की पावर जीरो बचा रहा है, एक्स की पावर जीरो का आंसर कितना होता है, एक होता है। वैसे भी साइकिल रूप में ए बी सी चल रही है तो इसका आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। तो ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लो गया, अब इसका आंसर एक नहीं आएगा, इसका आंसर एक नहीं है। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है। देखो एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर माइनस बी है, तो माइनस बी ऊपर जाएगा कितना जाएगा, एक्स की पावर ए प्लस बी हो जाएगा, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू ये एक्स की पावर बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसके साथ सी प्लस ए हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया एक्स ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसी तरह से ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ये जो इसका फॉर्मूला बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इसका फॉर्मूला सी क्यूब प्लस ए क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हुई कोई भी पावर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बेस में तो पावर प्लस कर देंगे, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर टू को माना जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब दो वैल्यू है, बी क्यूब दो वैल्यू है, सी क्यूब दो वैल्यू है, तो एक्स टू द पावर टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके पास आएगा सी, और ऑप्शन में इसको ए बता रखा है, वन बता रखा है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पावर कैंसिल हो रही, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती इसका आंसर एक आ जाता, लेकिन जीरो जब होता जब पावर आपस में क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा एक्स की पावर टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ऑप्शन सी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेना आप, कभी आप जल्दबाजी में इसका आंसर एक लिख दो, लेकिन इसका आंसर एक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। वो कह रहे हैं कि एक्स की पावर ए स्क्वायर बी माइनस वन सी माइनस वन डॉट एक्स की पावर बी स्क्वायर सी माइनस वन ए माइनस वन एक्स की पावर सी स्क्वायर ए माइनस वन बी माइनस वन माइनस एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू जीरो दे दी आपको, वुड रिड्यूस टू जीरो। तो देखते हैं क्या रिलेशन आता है। देखो इसको जब सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए। देखो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज लगाई, एक तो बी की पावर माइनस वन सी की पावर माइनस वन, नीचे जाएगा क्या जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी, बी सी हो जाएगा, और बेस क्या है सेम है इन तीनों का, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और ये सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एक्स क्यूब बराबर जीरो। अच्छा ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखो नीचे जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी। अब बी सी से बी सी कैंसिल, तो ए का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब, बीच में प्लस है। अब सी ए से सी ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना बी, बी का जो वैल्यू बचती है उसको बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, बी क्यूब प्लस ए बी, से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना सी, सी का सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, सी क्यूब इक्वल्स टू एक्स की पावर थ्री, ये माइनस क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम,
इसका मतलब ये जो पावर है ये पावर के इक्वल हो जाएगी। बेस से में तो बेस से बेस हम कैंसिल कर देंगे, तो इसका रिजल्ट ये आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इक्वल होगा 3 के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी हो जाएगी 3ABC। और ये कंडीशन आइडेंटिटी में जब लगती है, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, कितनी हो 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3ABC आ जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3ABC की आ गई। और ये कंडीशन तब होती है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो 0। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी समझाता हूं। देखिए इस आइडेंटिटी को समझाने के लिए हमें थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। तो देखिए क्या है जगह, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी हमको याद रखनी है। इसमें LHS RHS के इक्वल है। इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो RHS की टोटल वैल्यू 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC किस कंडीशन में, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी 3ABC सॉरी कितना हो जाएगा 3ABC। तो ये कंडीशन केवल तभी होगी जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, इफ x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी की पावर माइनस 1 सी की पावर माइनस 1 डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीपल है, x की पावर बी स्क्वायर सी माइनस 1 ए माइनस 1 ये जो वैल्यू है ये 0 तब होगी जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी किसके बराबर हो 0 के हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके सामने 0 आ जाएगा 0। और ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन 16 में सी इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, ऑप्शन सी वैल्यू 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ जेड इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, जेड टू द पावर जेड रूट जेड इक्वल है जेड रूट जेड टू द पावर जेड। अब देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ये जेड रूट जेड को लिखते हैं जेड की पावर 3/2। देखो जेड रूट जेड का मतलब है जेड, और यहाँ पर जेड की पावर 1/2 बिकॉज रूट जेड को हम लिखेंगे जेड टू द पावर 1/2, तो यहाँ पर जेड टू द पावर 1/2 और क्योंकि बेस सेम है देन 1 + 1/2 पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी देन जेड टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर ये जेड टू द पावर 3/2 जेड रूट जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ जेड टू द पावर 3/2 इक्वल होगा। ये जो वैल्यू है जेड रूट जेड को हम जेड टू द पावर 3/2 लिखेंगे और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है आपको जेड दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जेड की पावर जेड 3/2 और यहाँ पर जेड की पावर 3/2 जेड, ओके जेड का इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये जो बेस है ये तो इक्वल है तो इसको तो हटा देते हैं, नीचे का बेस सेम है तो पावर की जगह सेम हो जाएगी। तो जेड की पावर 3/2 इक्वल होगा 3/2 जेड, ठीक है। अब ये जेड की पावर 3/2 ये 3/2 इंटू जेड। अब इससे देखो आप जेड की पावर 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जेड नीचे आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2,
यहाँ पर जेड नीचे प्लस वन, ऊपर जाके क्या जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो जेड की पावर 3/2 माइनस वन बराबर 3/2, तो जेड की पावर 1/2, 3/2 में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, तो जेड की पावर 1/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 आ जाएगी। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो सामने वाली संख्या 3/2 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रूट जेड की वैल्यू जो है 3/2 दे रखी है, देन जेड इजकल टू 3/2 का होल स्क्वायर, देन जेड इजकल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस क्वेश्चन में जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9/4, और ऑप्शन डी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन डी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, और इसमें जो छोटे छोटे बिंदु हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लास्ट का जो क्वेश्चन था 16 का, उसमें जो आइडेंटिटी लगी थी उसको भी मैंने डिटेल में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आप लगातार वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और लगातार मेहनत करते रहें और लगातार चैनल को देखते रहें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। आपको यदि वीडियो पसंद आते हैं तो, और फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी मेरे को टाइम मिल रहा है सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। आप सब वीडियो को इतना अच्छे से देखते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मेहनत करते रहें।